मुरादनगर में शमशान में दलाली का जो मामला सामने आया जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, उनके परिवारों से मैं मिलने गया था। उनके परिवार के लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, आक्रोशित हैं। पीड़ा का आलम यह है कि वो अपने घर से अपने परिजन की लाश लेके शमशान गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि आदित्यनाथ सरकार के भ्रष्टाचार के कारण, शमशान में दलाली खाने के कारण 25 लोगों की जान शमशान में चली जाएगी और वहां से उनको लाश लेके आना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने यह बताया कि जो वर्तमान चेयरमैन है, इसकी कई बार पहले भी शिकायत हो चुकी है, उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभागीय मंत्री, विभागीय अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इससे साफ तौर पर साबित होता है कि आदित्यनाथ जी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और यह तो मामला तब सामने आ गया जब 25 लोगों की जान चली गई। लेकिन यह सिर्फ एक नगर पालिका का मामला नहीं है, सिर्फ एक जिले का मामला नहीं है। ऐसी दलाली और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं में और सभी जिलों के अंदर हो रहे हैं, सभी नगर निगमों में हो रहे हैं। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, सफाई कर्मचारियों को रखने में भ्रष्टाचार, और इसके लिए जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, आप लोग मीडिया वाले या हम लोग कोई मुद्दा उसको बनाते, कहते हैं SIT बना दिया साहब। ये एक नया मजाक हो गया आदित्यनाथ सरकार का और ये एक सुरक्षा कवच हो गया आदित्यनाथ सरकार के लिए, SIT बना दो। कोरोना में दलाली खाई गई, PPE किट में दलाली खाई गई, ऑक्सीमीटर में दलाली खाई गई, थर्मोमीटर में दलाली खाई गई, SIT बना दो। SP ने रंगदारी मांगी, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करा दी, SIT बना दो। बिखरू कांड हुआ, SIT बना दो। नतीजा क्या निकला कुछ नहीं पता। तो जितनी घटनाएं देश उत्तर प्रदेश में हुई जिसमें SIT बनाई गई है अब तक, उसके नतीजे क्या निकले इसकी जांच के लिए भी एक SIT बना दो, बना दो SIT आप। तो SIT जो है वो इस सरकार के लिए सुरक्षा कवच बन गई है। लोगों ने वहां बताया कि जो सरिया का इस्तेमाल उस शमशान में हुआ था, 60-70 फीट लंबे उस लिंटल में जो सरिया का इस्तेमाल हुआ था, उसको आप हाथ से मोड़ सकते हैं। इतनी घटिया क्वालिटी का निर्माण, इतनी बड़ी दलाली, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और उसके नाम पे मजाक हो रहा है। किस बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई मैं पूछना चाहता हूं, किस मंत्री पे कार्रवाई हुई? और ये तो एक जिले का मामला खुल गया है, तो पूरे प्रदेश में हो रहा है आदित्यनाथ जी। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपकी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और कार्रवाई ना करना इस बात का संकेत देता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी